दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्हें दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया गया है। सिसोदिया इससे पहले सत्र कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर चुके हैं, लेकिन अभी तक राहत नहीं मिली है। वहीं दूसरी तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट में गुरुवार को मनीष सिसोदिया की पेशी हुई, जहां कोर्ट ने मनीष की हिरासत को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। इस दौरान कोर्ट ने सिसोदिया को बड़ी राहत दी। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मनीष सिसोदिया को पेश करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर की है। सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील ने कहा कि उन्हें प्रभावी सुनवाई के लिए शारीरिक रूप से पेश होने का अधिकार है, पेशी के अधिकार में कटौती नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद न्यायाधीश ने कहा कि मनीष सिसोदिया को अदालत के समक्ष शारीरिक रूप से पेश होना होगा।